गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप मील। हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि उसमें आपको क्या करना है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम राइट करना है, मींस उसकी पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, कि हमें वो चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स इनमें से परफेक्ट हैं और कौन कौन से नॉन परफेक्ट हैं। कल हमने जो क्लास ली थी उसमें तय किया था कि कैसे परफेक्ट और नॉन परफेक्ट हम फाइंड करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 512, इसको हम चेक करेंगे कि परफेक्ट है या नहीं है। तो मैंने 512 को, इस मेथड को कौन सा मेथड बोलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। सबसे पहले आपको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। 512 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 256 को 2 से गया 128 को 2 से गया 64 को 2 से गया 32 को 2 से करेंगे 16 को 2 से करेंगे 8। ऐसे इसको करते जाएंगे, लास्ट में 2 को 2 से करेंगे 1। लास्ट में 1 आ जाए तो आपको इसको छोड़ देना है। अब हम 512 के फैक्टर्स राइट करेंगे। फैक्टर्स मीन्स कि जिस जिस नंबर से आपने इसको डिवाइड किया है वो सभी नंबर्स आपको इधर क्या करने हैं, राइट करने हैं। तो देखो, ये 2 आपने 9 टाइम राइट किया है, ये डिवाइड किया है, तो 9 टाइम ही आपको इधर राइट करना है। अब हमें चेक करना है कि कंप्लीट क्यूब नंबर है या नहीं है। और क्यूब नंबर में हम क्या करते हैं कि 3 नंबर्स का पेयर राइट करते हैं। तो हम चेक करेंगे 3 पेयर हो रहे हैं। ये देखो, 2 का फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर और ये थर्ड पेयर। मीन्स इस 2 के 3 कंप्लीट पेयर बन रहे हैं। मीन्स 2 की पावर 3 × इस 2 की पावर 3, इस 3 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3, तीनों के कंप्लीट पेयर बन रहे हैं। मीन्स ये क्या है, कंप्लीट पेयर बनेंगे तो कौन सा होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो हम राइट कर देंगे हेयर ऑल द फैक्टर आर इन द ग्रुप ऑफ 3। मीन्स ये सभी फैक्टर किसके ग्रुप में है, 3 के पावर में, तो ये क्या होगा, परफेक्ट होगा। अब ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन चेक करेंगे कि ये परफेक्ट है या नहीं है। एक क्वेश्चन हम वो करते हैं जो नॉन परफेक्ट होगा। तो हम यहाँ देखो 100 लेते हैं और 100 को चेक करते हैं कि मैं यहाँ राइट कर दिया 100 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 25 को 5 से करेंगे, 25 नहीं तो 2 से होगा, नहीं 3 से होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 5, और 5 को 5 से करेंगे 1। ये हमने 100 का फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया। अब इस 100 के सभी फैक्टर हम राइट कर लेंगे, 100 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5, ये इसके फैक्टर मैंने राइट कर दिए। अब देखो, इसमें 3 के पेयर बन रहेगा कि नहीं, तो इस 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, नहीं इस 5 के कंप्लीट पेयर बन रहा है। इन दोनों में 2 ही नंबर है और हमें क्यूब के लिए कितने चाहिए, 3। मीन्स ये कौन सा है, नॉट परफेक्ट। तो हम क्या राइट कर देंगे, ये कौन सा हो जाएगा, नॉट परफेक्ट। तो आपको ऐसे चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट है और कौन सा नॉन परफेक्ट है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो छोड़े मैंने कि 2700 1243, ये आपको खुद को करने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करके सेंड करना है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि आपको वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो इस क्वेश्चन में दिए हुए मस्ट बी मल्टीपल्स ऑफ ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, कि आपको वो सबसे छोटा सा छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको इनसे इंटू करने पर क्या हो जाए, कंप्लीट परफेक्ट नंबर हो जाए। तो इसको भी देखो कैसे करेंगे। पहले चेक करते हैं 108 को, 108 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या है, 54 को 2 से करेंगे 27। अब 27 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 9 को 3 से करेंगे 3 और 3 को 3 से करेंगे 1। 108 के सभी फैक्टर्स यहाँ राइट कर लिए, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, वही काम करना है। अब क्या करेंगे, सभी का पेयर राइट करेंगे 3 का। अब देखो, इस 3 का तो कंप्लीट हो रहा है, ये तो 3 की पावर 3 में आ रहा है, बट ये 2 है, ये तो 2 की पावर 2, ये स्क्वायर ही बन रहा है, क्यूब नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हेयर फैक्टर 2 इज नॉट इन ग्रुप, कि जो फैक्टर 2 है ये 3 के ग्रुप में नहीं है। इसको 3 के ग्रुप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो 2 × 2 ही आ रहे हैं, इसको हम 3 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 × 2 से और इंटू करना पड़ेगा, और 1 × 2 से और करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में। तो मैंने यहाँ राइट कर दिया कि हेयर फैक्टर 2 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, देयर फॉर टू मेक 108, कि 108 को हम कंप्लीट फैक्टर बनाने के लिए क्यूब परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इज बाई स्मॉलेस्ट नंबर 2। इसको कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको इंटू करेंगे। अब आपको ऐसे क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन और हैं
उनको सोल्व करना है और सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क सेंड करना, और कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।